मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आज हम सुपर सेंसेस के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सुपर सेंसेस को जानने से पहले हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानना है। व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो मैं सबसे पहले कहूँगा सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन्स जिससे हम बाहर की दुनिया से रूबरू होते हैं, बाहर की दुनिया को जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सुन पाते हैं, तो इनको कहते हैं हम सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स पांच तरह के होते हैं, आई, नोज, ear, skin, tongue। ये पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंसान में मौजूद होते हैं और खासकर ये जानवर में भी मौजूद होते हैं। इन ये सेंस ऑर्गन्स जब तक इंसान में एक्टिव हैं तब तक ही हम जिंदा हैं। अगर ये सेंस ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे तो हम एक मरीज में लाश की तरह हैं। तो सबसे पहले आई, आई का क्या काम रहता है, हमारी आंख है। जैसे आप लोग हैं अभी मुझे देख रहे हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो आप ये बोर्ड के लिए देख रहे हो, तो आई का मतलब होता है साइट। आई का फंक्शन होता है साइट, किसी चीज को देखना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं हम, कलरफुल वर्ल्ड देखते हैं, तो ये हम किससे देखते हैं, अपनी आंख से देखते हैं। उसके बाद नोज, नोज का काम होता है कोई इन्वायरमेंट में दुर्गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, किसी भी स्मेल को ये स्मेल करना, वो नोज का काम होता है स्मेल। उसके बाद आ गया ईयर, ईयर का काम होता है किसी आवाज को सुनना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जोर से मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपको जोर से बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, आपका ईयर कर रहा है। तो ईयर का काम होता है हियरिंग, किसी भी आवाज को सुनना, वो मीठी आवाज हो, अच्छी आवाज हो, बुरी आवाज हो, किसी म्यूजिक को सुनना, टेलीविजन को देखना या सुनना, तो वो किसका काम होता है ईयर का। फिर उसके बाद आ गई टंग, फोर्थ सेंस ऑर्गन जो है हमारी वो है टंग। टंग का काम होता है किसी चीज का टेस्ट लेना, जो चीज भी हम खाते हैं, कोई फूड आ गया, कोई कुछ चीज भी आ गई जो हम मुंह में लेते हैं, तो उस वो टेस्ट जो हमें बताती है वो सेंस ऑर्गन होता है टंग। तो टंग से क्या होता है टेस्ट। उसके बाद फिफ्थ ऑर्गन जो होता है वो है स्किन, स्किन से किसी चीज को फील कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड कैसा है, स्मूथ है, रफ है, कैसा है, या मुझे कहीं खारिश लग रही है तो मुझे फील हो रहा है, तो वो फिर ऑर्गन जो है वो स्किन के जरिए हम किसी चीज को फील कर सकते हैं। तो स्किन का काम होता है फील करना किसी चीज को। तो ये चैप्टर से पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन सेंस ऑर्गन्स के बारे में और इनके फंक्शंस। जैसा कि आप हमारे फर्स्ट चैप्टर में हैं सुपर सेंसेस, आप जैसे किसी पार्क में खाना खा रहे होते हैं या बगीचे में होते हो, गार्डन में होते हो, आप कहीं खेल रहे होते हो, खाना रखा हुआ होता है, तो कोई ईगल आता है बहुत दूर से और वो आपकी रोटी लेके चला जाता है। तो इसका मतलब ईगल की जो क्षमता होती है वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर से वो उतनी नज़र उसकी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है, तो रोटी आके लेकर के चला जाता है। आप सोच सकते हो कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसकी मतलब जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है। या कभी आप किसी दोस्त के घर जाते हो तो क्या होता है कि या आपके घर में कुत्ता सोया हुआ होता है, आपका डोमेस्टिक एनिमल जो डॉग है वो सोया हुआ होता है, अगर आप बिल्कुल आस्था से चलोगे तो वो क्या कर देता है, अपना कान जो है वो ऊपर कर देता है। तो मतलब डॉग जो है वो बिल्कुल छोटी सी छोटी आवाज को भी
आसानी से सुन सकता है, ठीक है। और जैसे कि आप देखते हो चिमटियां, अगर हमने अभी ग्राउंड में थोड़े से जेजरी होता है गुड़िया, कोई शुगर के दाने डालूंगा, 10 मिनट के बाद देखूंगा वहां पे चिमटियां इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? चिमटियों की जो सेंस ऑर्गन होती है स्मेल करने की, वो बहुत ही तेज होती है और इसलिए वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है। तो जो एनिमल वर्ल्ड है वो बहुत सारे सेंसेस से भरा हुआ है, अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है। एनिमल्स की भी अपनी अपनी सेंसेस होती है। व्हाट इट हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एंट जो है वो किस तरह से जान पाती है कि ये जो दूसरी एंट है ये मेरे ग्रुप की है, मेरी फ्रेंड है? तो वो कैसे जान पाती है? एंट की भी एक वो सेंस होती है स्मेल करने की, तो वो स्मेल से दूसरी एंट को समझ पाती है कि ये मेरे ग्रुप की है या किसी दूसरे ग्रुप की है। अब हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो इसका सिंपली आंसर हो सकता है कि एंट अपने स्मेल से समझ जाती है कि ये जो दूसरी एंट है ये मेरे ग्रुप की नहीं है। तो इसका आंसर हो सकता है बाय द स्मेल। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? जो होल की जो गार्ड एंट होती है तो वो भी उसको, मतलब जो दूसरी एंट दूसरे ग्रुप की आती है तो वो भी उसको अपने स्मेल से पहचानती है कि ये जो है हमारे ग्रुप की नहीं है। फिर उसके बाद ड्रॉप सम शुगर जैगरी आर एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। ये भी कुछ क्वेश्चन से एक्सरसाइज है, इसको हम लेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? अगर किसी जगह हम कोई गुड़ रखते हैं या खांड रखते हैं, शुगर रखते हैं थोड़े से दाने, तो आपने वहां पे ऑब्जर्व करना है कि वो चिमटियां कितनी देर के बाद आती हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि यही कहीं 5-10 मिनट के अंदर वहां पे इकट्ठी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो सकता है 5-10 मिनट्स। डिड वन एंट कम फॉर आर अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर? क्या चिमटियां जो है एक पहले आएगी क्या वो, या इकट्ठी ग्रुप में आ जाएंगी? तो ऐसा नहीं है, एक ही चिमटी पहले आएगी तो उसके बाद दूसरी आएगी। व्हाट इफ द एंट्स डू विद द फूड? जो फूड होगा किसी मरे हुए कीड़े का होगा या कुछ भी होगा, तो वो फूड के साथ क्या करेगी चिमटियां? द एंट कैरी द फूड इनटू देयर होल। जो चिमटियां होंगी वो फूड को लेकर के अपने होल में चले जाएंगी। व्हाट, अच्छा, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? तो उसके बाद वो कहां चले जाएगी? ऑब्वियसली है कि वो उसके बाद अपने होल में चले जाएंगी। दे गो इनटू देयर होल। Do they move in a line? Yes, they move in a line. तो सभी चिमटियाँ जो हैं लाइन में ही चलती है। तो अगर आप कभी घर में भी अंदाजा ये ऑब्जर्व करना, अगर किसी लाइन पे चिमटियाँ जा रही हैं, किसी फर्श पे कहीं पे भी जा रही हैं, अगर उनके उनका रास्ता रोक दोगे, आप कहीं बीच में सोटी रख दोगे, चाक स्टिक रख दोगे, पेंसिल रख दोगे, तो वो उस पेंसिल को भी पार कर देंगी चिमटियाँ, उसके ऊपर क्रॉस करके अपने रास्ते को नहीं तोड़ेंगी, लेकिन वो चले आएंगी मतलब उसके ऊपर से। तो नाउ केयरफुली विदाउट हर्मिंग एंड्स ब्लॉक दियर पास फॉर, यही है मतलब पेंसिल रख देनी है आपने बीच में, तो क्या होगा 10 मिनट के बाद वो जो चिमटियां हैं वो पेंसिल के ऊपर आ जाएंगी, मतलब अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगी। नाउ ऑब्जर्व हाउ द एंट्स मूव। अब ऑब्जर्व करना आपने कि चिमटियां कैसे चलती हैं। तो चिमटियां हमेशा एक ही सीधी लाइन में चलती हैं। तो बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्हीं जानवर को लेकर के, एंट्स को लेकर के। तो उन्होंने ये पाया था कि चिमटियों में जो है वो स्मेल, मतलब जो उनकी जो सेंस ऑर्गन स्मेल का है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब वो किसी चीज को भी स्मेल कर सकती हैं। अच्छा, तो आपने देखा होगा